हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द चैप्टर नंबर वन ऑफ 11th ओसीएम, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन ए एंड बी। ओके, दिस इज दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस एंड मैच द पेयर्स। ठीक है, बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज इट विल बी अ रिविजन प्लस इट विल बी अ वेरी वेरी यू नो यू कैन से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, सो एकेडेमिकली इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर वन ए इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। ये मैं हमेशा कहती आ रही हूँ डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो वेन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व एक्सरसाइजेस, कि जब भी आपको ये कहा जाए दैट री राइट द सेंटेंस, आपको पूरा क्वेश्चन आई एम टू से लिखना है। जैसे इन दिस केस अ लॉयर इज डैश, सो अ लॉयर इज डैश जो है वो आंसर के साथ आपको पूरा लिखना है। ठीक है, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क। लेट्स रीड द फर्स्ट वन। अ लॉयर इज अ डैश, ऑप्शन ऑब्वियसली यू कैन सी एंड आई हैव हाईलाइटेड द आंसर। येस, द करेक्ट आंसर इज ए, अ प्रोफेशनल पर्सन। ऑब्वियसली एक प्रोफेशन होता है लॉयर, सो इज अ प्रोफेशनल पर्सन। द करेक्ट आंसर इज ए। सेकेंड इज रॉ मटीरियल इज कन्वर्टेड इन टू फिनिश प्रोडक्ट बाई डैश इंडस्ट्री। मतलब सीधा सीधा यही है स्टूडेंट्स, कि एक रॉ मटेरियल जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है या फिनिश प्रोडक्ट होता है, वो कौन से इंडस्ट्री में होता है। डेफिनेटली वो सी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। थर्ड वन, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज डैश। एक्चुअल मतलब एक्चुअल में जो बाय और सेल का जो प्रोसेस है वो होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑब्वियसली उसको हम कहते हैं ट्रेड स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर इज बी, दैट्स ट्रेड। फोर्थ, नेशनल लेवल कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर डैश। मतलब जो कोड, एक स्पेसिफिक एक नेशनल लेवल पे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और वो किसके लिए तय किया जाता है, दैट्स द बेसिक क्वेश्चन हियर। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, दैट्स प्रोफेशनल्स के लिए होता है स्टूडेंट्स। लॉयर हो, डॉक्टर हो, उनका एक नेशनल लेवल का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट नाउ क्विकली। फिफ्थ वन है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इज एन एक्टिविटी डन अंडर डैश इंडस्ट्री। मतलब कौन सी इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स होता है। डेफिनेटली इट इज, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, सिक्स्थ, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस इज सॉल्व बाय डैश। मतलब जो प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो कैसे सॉल्व होता है, वो होता है आपका बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेवन्थ है आपका, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ डैश। जैसे हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन में भी देखा था स्टूडेंट्स, जब हमने बिजनेस और कॉमर्स का डिस्टिंग्विश किया था, वहाँ पर भी ये हमें क्लियरली क्लैरिटी के साथ पता था दैट कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ए, दैट्स बिजनेस। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्विकली। एट्थ वन जो है हमारा, मॉनिटरी रिटर्न्स इन बिजनेस इज कॉल्ड डैश। बिजनेस के बारे में भी बहुत सारा डिस्कस हमने किया था, जो मॉनिटरी रिटर्न मिलता है बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट्स प्रॉफिट। नाइन्थ है हमारा, अ बिजनेस यूनिट डिपेंड्स अपॉन डैश फॉर सेलिंग इट्स आउटपुट। मतलब एक बिजनेस यूनिट जो होता है वो किस पर डिपेंड होता है, अपने जो गुड्स है उसको यू नो सेलिंग करने के लिए, आउटपुट को सेल करने के लिए। करेक्ट आंसर इज बी, society. Yes, you heard it right students, they have to depend on society. Last but not the least, again 10th one hai, warehousing creates dash utility in goods. Warehousing creates b, time utility in goods. Correct answer is b, that's time. Obviously students, warehousing zyada karke use hota hai apna, matlab turant market mein nahi le ja sakte ya, time ko utility matlab sorry kis utility ke liye hota hai, wo time utility यूटिलिटी के लिए होता है। सॉरी, वाई मोस्ट ऑफ द टाइम द गुड्स आर स्टोर देयर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वेन दे हैव टू नो इंट्रोड्यूस द गुड्स इन द मार्केट, डिपेंड्स ऑन द डिमांड सप्लाई व्हाटसो एवर, बट इट हेल्प्स अस टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू मैच द पेयर्स। हियर यू कैन सी मैच द पेयर्स, एक ग्रुप ए दिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, चार
पॉइंट्स हैं, ग्रुप बी दिया है, राइट हैंड साइड पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब लेफ्ट साइड क्वेश्चन है, राइट साइड में आंसर है, आपको चूज करना है करेक्ट आउट ऑफ 8। सो लेट्स गेट देम मैच्ड, ऑलरेडी मैच्ड किया हुआ है लेकिन चलिए फिर से आपको बताते हैं ओरली। ए हेल्पिंग डिजेबल्ड पर्सन, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो हेल्प करना है डिजेबल्ड पर्सन, वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑब्वियसली इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आप इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, ना ही कुछ पैसे, ना प्रॉफिट, ना सैलरी, नथिंग, यू आर डूइंग इट फॉर जेनरोसिटी या यू कैन से ह्यूमैनिटी, तो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ए का करेक्ट आंसर है फोर्थ, सॉरी या फोर्थ वन, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बी दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमने जब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा था तो सेरिकल्चर इज वन जेनेटिक इंडस्ट्री, सो द करेक्ट आंसर इज बी का, जेनेटिक इंडस्ट्री इज थर्ड वन, दैट इज सेरिकल्चर। लेट्स गो टू द थर्ड वन क्विकली, सिक्स्थ सी, सॉरी सी वन, लोकल करेंसी। लोकल करेंसी द करेक्ट आंसर, जहाँ पर ये लोकल करेंसी यूज होता है वो है हमारा फिफ्थ वन, दैट इज इंटरनल ट्रेड। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब यू नो फॉरेन ट्रेड होता है तो वो डिफरेंट करेंसी होता है, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, विल टॉक ओनली अबाउट लोकल करेंसी। द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ वन, दैट इज इंटरनल ट्रेड। लास्ट वन इज योर सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव है, सो डी का करेक्ट आंसर है वन। आई विल जस्ट रिपीट वंस अगेन स्टूडेंट्स, ए हेल्पिंग डिजेबल्ड पर्सन, द करेक्ट आंसर इज योर फोर्थ वन, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बी जेनेटिक इंडस्ट्री इज योर थर्ड वन, सेरिकल्चर। सी लोकल करेंसी इज योर फोर्थ वन, सॉरी फिफ्थ वन, दैट इज इंटरनल ट्रेड। एंड डी सोशल प्रॉब्लम्स इज योर फर्स्ट वन, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू विल रिवाइज दिस चैप्टर नंबर वन का क्वेश्चन नंबर वन ए एंड बी, एंड यू विल get the clarity of the answers and you will remember for a longer time. So that's our objective as well. So keep learning, keep studying with Commerstute children. See you again in the next video solving more exercises. So till then, stay tuned. Thank you so much.